फ्रेंड्स, आज हम आपको इस ब्लॉग में डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम हिंदी में विकर्ण संबंध करते हैं। डायगोनल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम स्क्वायर या बनाते हैं या जो भी है, तो उसमें ये दैट इज ए डायगोनल। ओके, तो अब यहाँ पर डायगोनल रिलेशन कैसे है इस ब्लॉक में? लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, बोथ एग्जिबिट डायगोनल रिलेशन, दोनों जो है विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। अब आपने पहले तो आप इस पीरियड मतलब इसमें आइएगा, ग्रुप में आइएगा, तो आप देखिए फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप होते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, ये एस ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 2S1, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1, इनके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होती है, इनकी वैलेंसी एक होती है, इनके आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी दो होती है, इसे कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल, इसे कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। तो अब इनकी ये इस ग्रुप में रखा गया है, मैग्नीशियम इस ग्रुप में है, तो इसकी प्रॉपर्टी इनके साथ ज्यादातर हो, लेकिन फिर भी लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशन शो कर रहा है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो इसका क्यों का आंसर है कि इन दोनों की आयनिक रेडियस, लिथियम की आयनिक रेडियस और मैग्नीशियम की आयनिक रेडियस, इन दोनों की आयनिक रेडियस लगभग सेम है, सिमिलर है लगभग। ओके, अप्रोक्सीमेट आयनिक रेडियस सेम है दोनों, 0.6, 0.65, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, इसकी 1.2 है, दोनों की लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युतात्मकता, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है। इन दोनों की सेम होने की वजह से, सिमिलर होने के कारण, पोलराइजिंग पावर भी इन दोनों की ज्यादा होती है, इनके आयनों की, इन दोनों के आयनों की पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता भी मतलब उस दोनों की सेम होती, दोनों की पोलराइजिंग पावर क्या है, सेम है। ओके, और पोलराइजिंग पावर सेम होने इसकी वजह से एक पॉइंट आता है, आपने पढ़ा होगा LiCl और MgCl2, लिथियम के साल्ट और मैग्नीशियम के साल्ट, दोनों की दोनों जो है पानी में पार्शियल सॉल्युबल, पानी में कम घुलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का साल्ट जैसे क्वेश्चन आता है, लिथियम क्लोराइड पानी में कम घुलता है, जब उसी फैमिली का सोडियम क्लोराइड पानी में ज्यादा घुलता है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड है इनमें, और इसमें लिथियम में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। तो कोवेलेंट करेक्टर क्यों आ गया? छोटा साइज है लिथियम मैग्नीशियम का, ओके, और एक्सीएल का बड़ा साइज है माइनस का, तो छोटा साइज है तो पोलराइजिंग पावर पोलराइज करेगा, इसे खींचेगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए इसमें शेयरिंग आ जाएगा, ये पोलराइज होकर इसके पास चला जाएगा, शेयरिंग करेक्टर आ गया, तो इन दोनों में कोवेलेंट करेक्टर आ गया फैजांस रूल के अकॉर्डिंग। तो फैजांस रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोवेलेंट करेक्टर आने से ये पानी में कम आयनाइज होगा, मतलब कम घुलेगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, और लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, यानी दोनों नाइट्राइड बना रहे हैं, ये सिमिलरिटीज है। जबकि इस फैमिली के अदर मेंबर्स जो है ऐसी रिएक्शन कम देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम लिथियम दोनों देते हैं, और दोनों के नाइट्राइड पानी में डालने पर हाइड्रोलाइज होकर कौन सी गैस देते हैं, अमोनिया देते हैं, तो ये सिमिलर रिएक्शन है, आप ये लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं लिथियम कार्बोनेट की। लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों के कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ये एक सिमिलरिटीज है। जबकि इनके इनके जो फैमिली मेंबर्स और हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, चाहे लिथियम फैमिली मेंबर हो चाहे मैग्नीशियम हो। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी की। इन दोनों के साइज छोटे हैं, पोलराइजिंग पावर दोनों की सेम है, इसलिए पानी में डालने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ओके, साइज छोटा भी है और सिमिलर होने की वजह से। थैंक यू वेरी मच।